हम लोग थोड़ा देर चलाएंगे और ये दोनों मतलब बजा रहे हैं, ये भी अच्छा बजाते हैं। तो यार क्या हाल सभी के, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एन अनदर ब्लॉग। बज रहे 6:10, मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करने और वॉकिंग भी, थोड़ा जॉगिंग थोड़ा वॉकिंग मिक्स। मेरा डेली गोल रहता है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का, वो मैं डेली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ज्यादातर कंप्लीट हो भी जाता है और कभी कभार होता भी नहीं, जैसे कभी दमन गया था तो एक दिन हुआ था और एक दिन नहीं हुआ था। हाँ इस तरीके से तो अभी चलते हैं। हमारा 3,500 स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग ये चार्टेड बाइक चलाने वाले जो कि गवर्नमेंट की है, तो यहाँ से लेके एक्टिवा तक जाएंगे। तो मेरे साथ आयुष भी है, आपको शायद बताया नहीं होगा, कल इसका बर्थडे है और मैं कल बताता हूँ इसने क्या लिया है। अभी साइकिल चलाते हैं। किस साइड? इधर रॉन्ग साइड। अभी हम लोग साइकिल चला रहे हैं और आयुष भी मेरे साथ चला रहा है। हम लोग थोड़ा देर चलाएंगे और उसके बाद फिर वॉकिंग शुरू कर देंगे। वॉकिंग कंप्लीट हो गई है, 4,000 स्टेप्स के आसपास कंप्लीट हुआ है। बाकी का शाम में करेंगे, जिम में जाऊंगा तब कर लूंगा और फिर घर पे भी थोड़ा बहुत वॉक कर लूंगा। तो मेरा आराम से 10,000 स्टेप्स। फिर अभी फ्रेश होता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूंगा थोड़ी बाकी, और फिर उसके बाद थोड़ी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे और फिर क्लास चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट से पहले आदत है मेरी की ग्रीन टी पीने की गरम गरम, उससे क्या ऐसे गला साफ रहता है। तो यार अभी जस्ट मेरा वीडियो एडिट हो गया, रेंडर हो गया और कसम से बोल रहा हूँ इतना फास्ट है ये थर्ड वाला जो ब्लॉग है मेरा, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रेंडर हो गया। जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉग जो मैंने एसुस वाले लैपटॉप में किया था, उसको एडिट और रेंडर करने में मेरे को आराम से 2.5 से 3 घंटे लगते थे, 3 से 4 मिनट का वीडियो को। इसके अंदर मैंने 4 मिनट वाला वीडियो है जो कि थर्ड वाला ब्लॉग है, एडिट और रेंडर पूरा मिला के मेरे को लगभग 30 to 35 मिनट्स लगे, क्योंकि अभी एडिटिंग में सीख रहा हूँ इसमें। फाइनल कट प्रो पे मेरे को आता नहीं है, पहले मैंने 2-4 वीडियोज़ देखे कि किस तरीके से मतलब फ्रेम होता है, स्प्लिट होता है, लेयर ऐड होते हैं और इम्पोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने एडिटिंग शुरू किया। थोड़ा टाइम लगा मेरे को सीखने में, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं आराम से आधे घंटे के अंदर वीडियो एडिट करके रेंडर कर सकता हूँ, जो कि 5 मिनट का मेरा ब्लॉग है। जो ये वीडियो है वो भी शायद आराम से कर सकता हूँ मैं एडिट। यार बहुत फास्ट हो गया मेरा काम, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी अपग्रेड करने में ईजी हो गया। अभी मशीन लर्निंग भी सीखने वाला हूँ मैं, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो मैं सीख रहा हूँ, साथ साथ में पाइथन भी मेरे को आता है पहले से। अभी पाइथन का मैं लेवल अप कर रहा हूँ मेरा, तो थोड़ा मशीन लर्निंग मेरे को सीखना है, तो उसके एल्गोरिदम्स वगैरह थोड़ा बहुत मतलब सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक एकदम। तो यार अभी बज रहे हैं 5:30 शाम के, सुबह वॉकिंग वगैरह किया, फिर जिम गया मैं, फिर अभी मैं जाने वाला हूँ मेरे फ्रेंड के साथ थोड़ा मतलब घूमने फिरने के लिए इधर उधर। आपको भी मिलाऊंगा उससे और काफ़ी सारे बातें भी करने वाले, तो आपको पूरा बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की। मैं अभी यहाँ पे तापी रिवर फ्रंट पे आया हूँ जय अग्रवाल के साथ, ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हर चीज़ में। आपको इससे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उससे पहले आप लोग ये व्यू देखिए, यहाँ का व्यू भी बहुत ज़ोरदार है और यहाँ पे पब्लिक भी बहुत सारी आती है सुबह भी और शाम भी। तो कुछ दिन बाद सुबह भी आते तो आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या व्यू रहता है सुबह का। अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू है, काफ़ी पब्लिक आती है। सुबह भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और शाम पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो ऐसे आ गए मैं और ये आ गए सूरत महानगर पालिका का। अभी मैं और जय अग्रवाल दोनों तापी रिवर फ्रंट से आए हैं, पे कैनल रोड है पे आए हैं और अभी यहाँ पे काफी अंधेरा है, अच्छी लाइटिंग ढूंढते फिर वहाँ पे जाके आपसे बात करते अच्छे से। ये जय अग्रवाल है मेरा फ्रेंड, जैसा कि आपको भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये मुझे हर काम में बहुत मोटिवेट करता है। इससे मैं लगभग 5-6 साल पहले मिला था ट्यूशन में, तो एक ही ट्यूशन में थे हम लोग। हाँ एक ही ट्यूशन में थे हम लोग, 9th में था और मैं भी 9th में। अपने को बड़ा दिखाता है, बड़ा दिखाने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा बताएगा, छोटा पूछ रहा है तो छोटा बताएगा। शौक है इसको, म्यूजिक का बहुत शौक है, मेरे को भी म्यूजिक का शौक है, ये गाता बहुत बढ़िया है। इसका भी चैनल का लिंक है ना अवेलेबल, चैनल है उसका लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो फिर इंस्टा का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना इसके गाने वगैरह, अच्छा गाता है। पोस्ट को भी लाइक कर देना, पोस्ट को भी लाइक करना, जिम का भी आएगा बहुत जल्दी वीडियो। हाँ अभी जिम का वीडियो आने वाला है, फ्लूइड गिटार वो सब आपको दिखाएंगे, जैमिंग करेंगे वो भी आपको। हाँ, गिटार गिटार तू बजाता है ना? नहीं गिटार थोड़ा बहुत आता है मेरे को, मेरी तरह थोड़ा बहुत आता है, इसको तो बहुत अच्छा आता बजाना, मस्त एकदम प्रो लेवल है ये। इसको अपना ब्लॉग का कंटेंट नहीं नहीं भाई सही में ये प्रो लेवल का गिटार प्ले करता है एकदम खतरनाक,
इसने आज तक एक भी डाला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इसका, मैं और ये दोनों मतलब गिटार और फ्लूट का हम लोग जैम करते हैं, तो अच्छा गिटार बजाता है ये। ये भी अच्छा बजाता है गिटार भी, और गिटार तो अभी कुछ आता ही नहीं अभी। हम रात में भी करते रहते हैं, कभी जैमिंग सेशन करते हैं, कभी रिकॉर्डिंग सेशन करते हैं, नाइट जैमिंग सेशन वगैरह, हम बहुत मस्ती करते हैं बहुत। आप लोग को दिखाएंगे धीरे अभी अभी ब्लॉग करना शुरू किया तो आपको भी मस्त मस्त कंटेंट मिलता रहेगा। अभी हमको थोड़ा बहुत याद नहीं रहता क्या कैसे करना है, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को। अभी कंटेंट मैं भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं इसको बता रहा हूँ इम्प्रूव करवा रहा हूँ, ये मुझे इम्प्रूव करवा रहा है, मोटिवेट करवा रहा है, जैसे कि मैंने बताया मोटिवेटर है। नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, सही बात है। कुछ नया शुरू कर रहा है कुछ तो फिर करना पड़ेगा ना मोटिवेट, और अच्छा इम्प्रूव करना पड़ेगा, एज अ ऑडियंस भी देखना पड़ेगा, एज अ फ्रेंड भी देखना पड़ेगा। सही बात है, पहले भी काफी यूट्यूब चैनल चला चुका हूँ मैं। हाँ बहुत सारे चला चुका है, मतलब टेक्निकल सात चैनल है, टेक्निकल चला चुका है, म्यूजिक का चला चुका है, कंप्यूटर नॉलेज करके एक था, नॉलेज का था, मिस्टर एवरीवन करके भी एक यूट्यूब चैनल था। ये गाइस सब कुछ ट्राई कर चुका है इसको, मतलब इस बंदे को सब कुछ आता है, टेक्निकल में आता है, म्यूजिकलिटी में आता है, हैकिंग में आता है, कोडिंग वोडिंग में आता है, एडिटिंग में आता है, सब आता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सब आता है, अभी धीरे धीरे सब इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सब में हाथ डाल रहा है तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे सब बताएगा, अपने अलग अलग ब्लॉग बनाएगा, पता नहीं किस रस्ते क्या चमत्कार हो जाए। एग्जैक्टली सही बात है, सब ट्राई मार लेने का, बहुत एक्सप्लोरर है ये गाइस, सच्ची बता रहा हूं, बहुत एक्सप्लोर करता है ये बंदा। यहाँ पे काफी सारे लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, फ्री स्टाइल डांस करते हैं, ये डांस के वीडियो शूट करते हैं, अपने काफी सारे वीडियोस भी अगर शायद देखे हो तो यहाँ पे काफी सारे लोग अपना वीडियो शूट करते हैं, क्रिएटर्स लोग जितने भी हैं सूरत के, वो लोग यहाँ पे काफ़ी शूट करते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, कभी दिन में आऊँगा ना तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये बहुत मस्ती की हम लोगों ने, काफ़ी बातें वगैरह भी की, और मतलब थोड़ा आगे के ब्लॉग में क्या क्या करना है वो भी प्लानिंग वगैरह हम लोगों ने की है। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।